आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्तर पर लागू कर सकते हैं, हो सकता है, और पारिवारिक स्तर पर कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं, राज्य के स्तर पर कर सकते हैं, देश के स्तर पर कर सकते हैं और विश्व के स्तर पर कर सकते हैं। और विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या सब पे ये लागू होता है, क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं है। ट्रस्टीशिप का अर्थ होता है बांट बांट कर लेना, और व्यक्तिगत रूप से ये लागू ऐसे होता है कि हम सब प्रकृति के दास हैं। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। प्रकृति हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और हम प्रकृति में ही विलीन होते हैं। यानी न तो कुछ लेकर के आते हैं और न कुछ जो है लेकर के जाते हैं। जो हमारा जीवन होता है, जिसको आयुष्य कर्म कहते हैं, उस कर्म के अंदर हम जो है सिर्फ उसको कर्म को भोगने के लिए आते हैं। यानी वी आर द गेस्ट, यूजर एंड सफरर ऑफ द नेचर। देखिए, जब हम किसी होटल में जाते हैं और 24 आवर्स के लिए होटल का हमने किराया दिया, चेक इन किया, तो 24 आवर बाद चेक आउट होता है, तो उसके बाद हमारा समय समाप्त हो जाता है और हमको वहाँ से खाली करना होता है। क्यों खाली करने होता है? कि हमने जितना किराया था एंजॉय कर लिया, जितना यूज़ करना था यूज़ कर लिया। अब सफरर की बात तो ये कुदरत के साथ आती है, क्योंकि हमारे जो कर्मों का भुगतान है वो कुदरत के द्वारा संजोग जुटाने से ही होता है। अगर कुदरत संजोग न जुटाए तो हमारे कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता है और हम कभी मुक्ति में नहीं जा सकते हैं। मुक्ति में जाने के लिए कुदरत का एक माँ की तरह पूरा सहारा है। माँ बाप जो होता है, बच्चों को किसी के लायक बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, तो कुदरत भी संजोग जुटा करके पूरा जोर लगाती है कि इसकी जितनी व्यक्ति की कॉजल अच्छा व्यक्ति है, इसकी कॉजल बॉडी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जावे, इसकी अज्ञानता जल्दी से जल्दी समाप्त हो जावे। तो वह हमें जो है वो संजोग जुटाती है, और जो जिस व्यक्ति के साथ हमारा हिसाब है, लेन देन है, जिसको हमने दुख दिया है या जिसकी सेवा की है, तो वो वापस हमारी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाता है। उसमें द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव जो है वो काम करते हैं इन संजोगों को जुटाने के लिए, तो वो सफरर की श्रेणी में आता है। देखिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये है, मान लीजिए कि एक जो है फैक्ट्री के अंदर 50 मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो 50 मजदूर और 5 सेठ है, मान लो वो 55 लोग ही उसके ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कह रहा है कि जितना जितना मुनाफा जो कमाया जाता है वह 55 लोगों में बांट दिया जाए। यह बात अलग है कि जो 5 मालिक होते हैं उनकी रिस्क ज़्यादा होती है,
तो रिस्क ज़्यादा होने पर पैसा ज़्यादा लगाया है तो उनको परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगी, इससे की परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगी। मजदूर की कोई रिस्क नहीं है, वो 8 घंटे ही काम करता, मालिक 24 घंटे ही वहाँ ड्यूटी रहता है, तो उसका परसेंटेज उसको ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया गया है। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के बाद में देखा कि आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन ये आज़ादी स्थायी रूप से कब रह सकती है, जब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होना चाहिए। तो उन्होंने सिद्धांत को लागू किया और देश की आज़ादी के बाद में सोसाइटी एक्ट बना। सोसाइटी एक्ट में क्या हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 50 दूध वाले हैं, एक एक व्यक्तिगत रूप से अपना अपना दूध बेचने जावे, वो मेथड चल रहा था, लेकिन सोसाइटी एक्ट के तहत में उसको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, 50 ही लोग जो है वो सोसाइटी डेयरी में आकर के अपना दूध दे देते हैं और वह दूध बेच दिया जाता है, बेच करके वो 12 महीने के अंदर जो प्रॉफिट निकलता उस सोसाइटी का रिटर्न बनने के बाद में, तो जितने सदस्य है सबको वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है। तो भाई और जो बेसिक एक रेट तय की हुई होती है वह बेसिक रेट जो है वो तुरंत दे दी जाती ताकि उसका काम रुके नहीं, और प्रॉफिट लॉस की बात है वो सालाना जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकलता है तब वो सब में बांटा जाता है। और अगर अकेले की दुकान हो और उसके अंदर ग्राहक मजदूर या कहना चाहिए जो सेल्समैन बहुत काम करे तो उनको तो मात्र उसकी जो फिक्स सैलरी है वही मिलती थी। अब देखिए कि देश के स्थान पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कैसे लागू करता है कि हमारा जो संविधान है या हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की सरकार जनता के द्वारा जनता से और जनता के लिए बनी हुई है, यानी जो हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी अरबों खरबों की संपत्ति है वो सब संपत्ति का मालिक जो है 130 करोड़ लोग है। इसी तरह से हम विश्व के ऊपर लागू करें तो विश्व की जितनी संपत्ति है उसके मालिक जो है वो 7.8 अरब के लोग सभी मालिक है। जब ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आता है तो व्यक्ति कोई भी उपद्रव नहीं करेगा और वह गंभीर होगा कि मैं इस बस को जलाता हूँ, मैं इस कार को जलाता हूँ, इस पब्लिक प्लेस को नुकसान पहुँचाता हूँ, जो नुकसान मेरा ही है क्योंकि मेरी भी उसमें हिस्सेदारी है। इसीलिए और परिवारों के अंदर तो जॉइंट फैमिली में शुरू से चला आ रहा है कि जो एक माता पिता के बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा कमाने वाला होता है, कोई कम कमाने वाला होता है, कोई अस्वस्थ होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, लेकिन उस घर में जन्म लेते ही बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं सारे लोग। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो फैमिली में तो बहुत पुराना बना हुआ है। तो भाई और बहनों हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होने पर या उसको पालन करने पर किसी को कोई एतराज नहीं होता है और झंझटबाजी भी सारी मिल जाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये न्याय की नीति है, भाई सबको बराबर मिलेगा बराबर मिलेगा। जब बराबर की बात आती है तो अन्याय की बात दिमाग में नहीं आती। अन्याय की बात कब आती है, एक व्यक्ति अपना लॉयन शेयर ले लेता है, घर में पावरफुल लड़का होता है वह दुगना तिगना 5 गुना अपना शेयर पहले ले लेता है बदमाशी करके, फिर निकल जाता है और दूसरे भाइयों को बहुत थोड़ा देता है, उनके लिए बहुत छोड़ता है, तो ये जो है एक विवाद का विषय है। लेकिन हर व्यक्ति ट्रस्टीशिप का सिद्धांत माने तो कोई तकलीफ ही नहीं। अब देखिए व्यक्तिगत स्तर पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कैसे बहुत ही सुंदर ढंग से लागू होता है। मान लीजिए आपकी करोड़ों की संपत्ति का एक बहुत बड़ा बंगला आपके नाम पट्टा सुध है, तो वो आपके नाम पट्टा सुध है, आपका ही रहेगा, कोई लेने वाला नहीं है। परंतु अगर आपकी उसके अंदर ये भावना है ये मकान मेरा है, ये मकान मैंने खरीदा, मैंने बनाया, मैं इसका उपयोग करूंगा,
मैं बड़ा आनंद के साथ ये जीऊंगा और लोग ये मानेंगे कि देखो कितनी बड़े मकान प्रॉपर्टी का ये मालिक है, ये पैसे वाला है, ये कुबेरपति है। इस तरीके की भावना जब सम्मान की भावना लेने की दिमाग में आती है तो वह इंसान क्या होता है, कर्ता भाव हो जाता है और वही कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि मैं और मेरा उसके साथ में जुड़ गया और यहीं से ही कॉजल बॉडी बननी स्टार्ट होती है, यहीं से भव भवांतर स्टार्ट होते हैं। यानी धर्म की जो जड़ है वो निमित्त से है, वो अकर्ता भाव से है, और कर्ता भाव मीन्स कर्म बंधन मीन्स 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहो, और निमित्त का जो भाव होता है वह भाव तरने का भाव होता है। अकेला निमित्त का भाव अगर व्यक्ति रखता है और जगत के सब प्राणियों को निमित्त मानता है तो उसके साथ में निमित्त के साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो बाकी के तीन ऑटोमेटिकली आउटडोर एंट्री लेकर के उस व्यक्ति की भावना में, उस व्यक्ति आर्ट ऑफ विजन के अंदर, उस व्यक्ति की सोच के अंदर वो बात आ जाती है। तो देखिए कि जब ट्रस्टीशिप हमने मान लिया, ये मकान मैं और मेरा है, कर्म का बंधन हुआ, अब मकान आपका है, आपके नाम पट्टा सुद्धे कोई लेने वाला नहीं, परंतु आपके भीतर ये भावना है कि मैं इस मकान का ट्रस्टी हूँ, मैं इस मकान का चौकीदार हूँ, ये मकान का मैं कस्टोडियन हूँ, ये मकान मेरी कस्टडी में है, जितने समय मैं जीऊँगा उतना भोग मैं करूँगा, फिर मेरी संतान इसका उपभोग करेगी। तो आप देखिए कि ये जो ट्रस्टीशिप की भावना से हम अकर्ता बन गए और बहुत बड़े कर्म बंधनों से हम जो है वो छुटकारा हो जाता हमारा, बात वही है, लेकिन भावों का खेल है। इसी का कहा गया है कि भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। जो हमारे भाव बनते हैं वो भावों के द्वारा ही बनते हैं, हम किस तरीके के भाव जो पैदा करते हैं, कॉजेज डालते हैं, फिर बंच ऑफ दी कॉजेज बनता है, फिर कॉजल बॉडी बनती है, और वह कॉजल बॉडी ही अज्ञानता है, वो कर्म शरीर है, वो लिंग शरीर है, और वही हमें भाव भवांतर के अंदर घुमाती है। तो भाई और बहनों, किसी भी दृष्टि से देखो आप, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही उपयोगी है, और वह बहुत ही कल्याणकारी तथा न्यायप्रिय सिद्धांत है। ये व्यक्ति को हर एक लेवल पर और हर एक जगह इसको अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए कि 4-5 पार्टनरों ने मिलकर के धंधा खड़ा किया, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है कि 5 पार्टनर है, बराबर समय दे रहे हैं, बराबर पैसा लगाया है, तो पांचों को इक्वल रेशियो मिलना चाहिए। अब एक कहता है मैं तो होशियार हूँ, मैं तो ज़्यादा जो है सेल करता हूँ, तो उसकी बात गलत है, क्योंकि सारे सबका हरेक का मेंटल होराइजन, हरेक की बुद्धि, हरेक की चतुराई जो है अलग अलग होती है, हरेक की समान नहीं होती है, तो इसीलिए समानता का व्यवहार होना चाहिए आपस के अंदर। तो भाई और बहनों, आपस में समानता का व्यवहार हो, उसके लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है हमारे व्यवहार जगत में भी उपयोगी है, और हमारे जो निश्चय जगत है उसमें तो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा कारगर है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मतलब आप अकर्ता बन गए, जब आप अकर्ता बन जाते हो तभी से जो है हमारी सारी जो है ये मुक्ति की प्रक्रिया चालू होती है। अकर्ता बनते ही जो है हमारा दर्शना मौनीय कर्म अनंतानुबंधी कषाय है वो क्षीण होता है, और हमको जो है हमारा कर्ता पद छूट करके हमको जो है अंतरात्मा पद मिल जाता है, आत्मा का पद मिल जाता है, और उससे हमारी तरक्की होनी चालू हो जाती है। यानी हमारा जो है ज्ञान दर्शन है वह सम्यक हो जाता है, और हम कर्ता होते हैं तो हमारा वो सम्यक ज्ञान दर्शन मिथ्या होता है। तो मतलब मिथ्या ज्ञान क्या है कि
ये शरीर मेरा है, मैं और मेरा। ये मैं और मेरा का मतलब संपत्ति, परिवार, धन दौलत, परिधि पे जितनी पद प्रतिष्ठा है उन सब को अपनी मानने का मतलब होता है कि हम, ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन ये है कि इस बॉडी का संचालक मैं हूँ, इस शरीर मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ, जबकि वास्तव में इसका कर्ता तो कुदरत है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, व्यवस्थित शक्ति है जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो है हमारे मन वचन काया का संचालन करता है, या कुदरत है वो पूरी दुनिया का संचालन करती है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट ध्रुव है, एक तो कर्ता भाव और अकर्ता भाव, यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या मोह, जो ममकार और अहंकार, ये दोनों जो है अलग अलग दिशाएं हैं। तो अलग अलग दिशाओं को अगर हम आपस के अंदर सही दिशा के अंदर रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो वो हमारा आर्ट ऑफ डिविजन है, सनातन सत्य है। उसका मुख्य कार्य क्या है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ बनाना, आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मिटा करके आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपके विजन में फिट करना, आपकी दृष्टि में फिट करना, आपकी समझ में फिट करना, आपके विचारों में फिट करना, आपके बुद्धि में फिट करना, आपके माइंड में फिट करना, कहीं भी मानिए वह सिद्धांत फिट हो जाना चाहिए कि मन वचन काया कुदरती रचना जो है से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, और शुद्ध आत्मा कैसा कि मन वचन काया है जो कि कुदरती रचना है, कुदरती उसकी संचालक है, क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। तो वह जो है वह होने के कारण जो है वही इसका संचालन करती, मैं मालिक नहीं हूँ, ये सम्यक दर्शन है। जब ये सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर हम जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के सारे, और हम अकर्ता यानी निमित्त पहले ही बन गए थे, इसका मतलब दर्शन मोहनीय भस्मीभूत हो गया था। तो अब हमारे मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म काफ़ी ढीले पड़ गए हैं। अब हमको डेवलपमेंट करके पूरा पूरा इसको समाप्त करना है, इसका अस्तित्व ज़ीरो करना है। तो इसको, क्योंकि हमारी आत्मा जो है ज्ञान दर्शन वाली होती है, अतः आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को फिट किया जाता है, और उसके अंदर मोहनीय कर्म को रिक्त करना वो तो प्राथमिकता के ऊपर होता है, और कर भी दिया जाता है अकर्ता बन करके, और सुख कहीं बाहर नहीं ढूंढ करके भीतर सुख ढूंढते हैं, तो उससे मोहनीय कर्म हमारा धीरे धीरे क्षीण होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा एपिसोड ये है वो ये कहता है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानो, जानो, समझो और विश्वास करो। जब हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू कर देंगे जीवन के हर फील्ड में तो कोई कठिनाई आनी नहीं है, क्योंकि वो तो नियमबद्ध है, वो न्यायपूर्वक है, उसमें सबका भला है, उसमें किसी का अहित नहीं है, और वो एक न्याय नीति पर आधारित होता है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर उपक्रम जो है दिया गया, हमारा मनुष्य है वो समाज में जीता, एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में ही पहचान प्राप्त करता है और समाज के साथ ही रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमें सभी हिलमिल करके प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, उसके लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत ही कारीगर होता है, जो कि न्याय की श्रेणी में आता है, जिसकी दिशा न्यायपूर्वक है और उसके अंदर किसी प्रकार का लगाव, पक्षपात वगैरह नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, समाज में, परिवार के अंदर, व्यक्तिगत स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए, और ख़ास तौर से
जहाँ हमारा देश है, जहाँ पर सरकार है, वहाँ पर तो ये लागू होना ही चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जब हम लागू करते हैं तो वो सर्वोदय का सिद्धांत लागू करने के समान है, यानी बिना लिंग, भाषा, जेंडर के जो है किसी व्यक्ति का पक्षपात किए हुए जो व्यक्ति योग्य होता है, उस योग्य व्यक्ति को अगर हम स्थान देते हैं, उस योग्य व्यक्ति को हम ज्ञान देते हैं, उस योग्य व्यक्ति को हम आगे बढ़ाते हैं, तो वह योग्य व्यक्ति वो बहुत से अनेक योग्य व्यक्तियों को तैयार करेगा। उसके लिए जितने साधन की आवश्यकता होती है, हमारे पास जितने उपलब्ध होते हैं, वो हमें मुहैया कराना चाहिए उस बच्चे को, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आने वाले समय भविष्य के अंदर बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा और पूरे समाज को अच्छा बनाने के लिए वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, हर व्यक्ति में सबको साथ लेकर चले की कला नहीं होती है, सब हर व्यक्ति के अंदर जो है सहनशीलता की भावना नहीं होती है और त्याग की भावना नहीं होती है। तो ऐसे मूल्य हैं जो कि हमें पहले जीवन के अंदर स्थापित करना चाहिए और उसके अनुरूप हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उन नियमों में से, उन एथिक्स में से अपने आप को ट्रस्टीशिप के दायरे में रखना और ट्रस्टीशिप की वकालत करना और ट्रस्टीशिप को उच्च प्राथमिकता देना समाज के अंदर, तो जब ऐसे जो है अनुभवी लोग या ऐसे कर्मठ लोग जो है इस सिद्धांत को अपनाएंगे, तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे जो है जब हमारा निकटता का संबंध आएगा, तो सभी देश ये सोचने लगेंगे कि हिंदुस्तान के साथ मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चलाकर कभी भी हमला नहीं करना चाहते, किसी के अस्तित्व को वो अस्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति बताती है, अगर हम किसी के अस्तित्व को अस्वीकार करें तो हमारा अस्तित्व भी जीरो हो जाता है। तो इसीलिए दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना ज़रूरी होते हैं, ये हम हमारे प्रति भलाई कर रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं। तो इस प्रकार लोगों को जो है अलग अलग जो है वो विचारधारा के लोग, आइडियोलॉजी के लोग जब आपस के अंदर मिलते हैं और हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या संगोष्ठी के माध्यम से, तो बहुत बड़ा नवनीत निकल के बाहर आता है। एक ऐसा रेडीमेड चीज़ हमको मिलती है कि जो वास्तव में अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें जो अच्छे कार्य करने होते हैं, जो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, उनको हमारे जीवन के अंदर हर वक्त किया जाना चाहिए, बिना कोई रोक टोक के, और बिना उसको जो है ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी नहीं दी जाए ऐसी चीज़ की, तो उसकी प्रायोरिटी को निश्चित करते हुए और ऐसी चीज़ें हमें लगातार करते रहना चाहिए, तो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। भाई और बहनों, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जब है सोसाइटी के रूप में, एक्ट में लागू हुआ, तो आज हजारों की तादाद में सोसाइटियां हर फील्ड की बन गई है। कोई भी प्रोडक्ट लो, उस प्रोडक्ट की सोसाइटी एक्ट है उसकी, और उसकी संस्था है, और वो संस्था बाकायदा रिटर्न भरती है, और उसके अंदर ऑफिस बेरर होते हैं जो काम करते हैं। ये एक अच्छी पद्धति बन गई। तो ऐसी पद्धतियाँ धीरे धीरे हर समाज के अंदर लागू हो जावे और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जोर दिया जाए, तो व्यक्तियों का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, व्यक्तियों को जो है सुविधा मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके सिद्धांत से जो है हमें रोजगार भी मिल जाता है। आजकल प्लेसमेंट कहिए, एम्प्लॉयमेंट कहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, तो वो जवान लोग यहाँ आकर के अपनी सेवाएं देते हैं
और सेवा दे करके इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हैं तो ये सिद्धांत हमारा पावरफुल हो जाता है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जीवन के हर फील्ड के अंदर अगर लागू किया जाता है तो हमारा हर फील्ड में हमको सफलता मिल सकती है और हमारे को उसमें कठिनाई भी कम होती है, क्योंकि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर अलग अलग कैलिबर के अलग अलग योग्यता के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि सभी उस प्रोजेक्ट में भागीदार होते हैं। तो जब ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी संस्था है उत्तरोत्तर प्रगति करती रहती है, क्योंकि इसके मूल में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, वही हमें आगे बढ़ाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी मिल करके ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू करके वसुधैव कुटुंबकम की पुनर्स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।